हाय एवरीवन, आज क्या देख रहे हैं? आज हम चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। देखो, चैप्टर नंबर 2 जो था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसको देख लिया। चैप्टर नंबर 1 जो है द लिविंग वर्ल्ड, उसको भी देख लिया था। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्लांट किंगडम, चैप्टर नंबर 3। इसका जो छोटा सा जो डिस्कशन था, छोटा सा एक पैराग्राफ जो था चैप्टर नंबर 2 के बिल्कुल लास्ट में दिया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जो किंगडम प्लांट के था उसके बिल्कुल लास्ट में दिया, बहुत छोटा सा था उसके अंदर। अब इसीलिए नहीं दिया क्योंकि वो चैप्टर लंबा हो जाता है, इसलिए प्लांट किंगडम का अपना एक क्लासिफिकेशन है। उसके अंदर मैंने आपको बताया था एल्गी, ब्रायोफाइट्स, स्टेरिडियोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स क्या है, ये सब इसी के अंदर आए थे ना, प्लांटे के अंदर, किंगडम प्लांटे के अंदर। तो अब ये आपको देखने को मिलेंगे, अब आपको पता चलेगा कि एल्गी को इसके अंदर रखा और ब्रायोफाइट्स क्या है, स्टेरिडियोफाइट्स क्या है, ठीक है। तो चैप्टर का नेम क्या है? प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम है। प्लांट किंगडम है, ठीक। आर एच विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये 4th नंबर पर है, ये 4th नंबर पर है। जो 1969 में उन्होंने क्या करा था, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कर दिया किंगडम फंजाई को बनाकर, ठीक। किंगडम प्लांटे क्या है? प्लांट किंगडम है, और आपको हर जगह इसकी वैरायटी मिलेगी। आप कहीं पर भी जाएंगे आपको हर अलग अलग तरीके का प्लांट दिखेगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, was proposed by Whittaker R. H. Whittaker '69 में उन्होंने ये क्लासिफिकेशन किया था किंगडम फंजाई को बनाकर। फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, कौन सा क्लासिफिकेशन आता है? किंगडम प्लांटे, किंगडम प्लांटे। सेकंड नंबर पर एनिमेलिया, एनिमेलिया, सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया। फर्स्ट नंबर पे जो किंगडम है वो किंगडम मोनेरा है, किंगडम मोनेरा। सेकंड नंबर पर जो किंगडम है वो है किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक। और थर्ड नंबर पर जो है वो है किंगडम फंजाई। फोर्थ नंबर पर किंगडम प्लांटे है, किंगडम प्लांटे है। फाइव किंगडम पर किंगडम एनिमेलिया है, ठीक है। जो किंगडम प्लांटे है उसके अंदर जितने भी, सबके पास में क्या है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है। ऑटोट्रॉफिक होते हैं प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स होते हैं, क्योंकि वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, इसीलिए ऑटोट्रॉफिक होते हैं। और इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है, हेटरोट्रॉफिक प्लांट जैसे ब्लैडरवर्ट और वीनस फ्लाई, ये क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स थे, ठीक। तो आप पहले से नोट डाउन कर लीजिए, इससे पहले नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, जो क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है उसके अंदर आपको क्या देखा जाए, उसमें क्या देखा गया, उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखे, उसका हैबिटेट देखा होगा, हैबिट देखी होगी, और कलर देखा होगा, लीफ का जो शेप है वो कैसा है ये देखा होगा, उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर देखे होंगे सिस्टम, इस क्लासिफिकेशन के सिस्टम में, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है उसमें आर्टिफिशियल है एक है नेचुरल और एक है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम।
तो एक है आपका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, और दूसरा है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, तीसरा है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम देखो, इसमें बहुत ही क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को सेपरेट किया जाता है, ये कुछ ही कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, सेपरेटेड फ्यू कैरेक्टर्स जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ठीक है, और बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टर्स, बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर्स। ठीक है, अब कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम आएगा? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्ट्रक्चर देखे जाते हैं, एक्सटर्नल फीचर एंड इंटरनल। ठीक है, के अंदर मॉर्फोलॉजी भी देखी जाएगी, एनाटॉमी भी देखी जाएगी, अल्ट्रास्ट्रक्चर भी देखे जाएंगे, ऊपर के स्ट्रक्चर, अल्ट्रास्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजिकली भी देखा जाएगा स्ट्रक्चर और एनाटॉमी। देखो इसका मतलब क्या है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में, कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को देखा जाएगा, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो होंगी। ठीक है, जैसे पैंथरा लियो है, अगर लियो की जितनी भी स्पीशीज है उनको देखा जाएगा और उनके कुछ कैरेक्टर्स को उठाया जाएगा जो ऊपर ऊपर के होंगे, जैसे ऊपर उनका कलर, स्किन का कलर कैसा है वो देख लिया जाएगा, और सबका चलने का ढंग कैसा है, और हेयर कलर कैसा है, आई कलर कैसा है, ये कुछ कैरेक्टर्स इसमें उठाए जाते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में। नेचुरल में क्या है, इसमें एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल भी देखा जाएगा, एक्सटर्नल में मॉर्फोलॉजिकली भी देखा जाएगा, स्किन कलर, आई कलर, हेयर कलर सब कुछ देखा जाएगा, लेकिन उसके साथ में इंटरनल भी देखा जाएगा, इंटरनल बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो भी देखा जाएगा। ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर और एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सब कुछ देखा जाता है।
फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अच्छा, आपको पता है जो क्लासिफिकेशन फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए दिया गया, मतलब एंजियोस्पर्म के लिए जो क्लासिफिकेशन दिया था, वो जोसेफ डाल्टन हुकर के द्वारा दिया गया था। जोसेफ डाल्टन हुकर के द्वारा। क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स वॉज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। जो फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए जो क्लासिफिकेशन दिया था, किसने दिया था? जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने। आप पहले से नोट डाउन कर लीजिए। अब कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम को देखते हैं। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये इवोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि अगर जैसे बहुत जिनके पूर्वजों के आज जो होंगे तो वो उनका इवोल्यूशन जब से चल रहा है तो उनका जो डीएनए होगा, जो उनका जेनेटिक मटेरियल होगा, वो उन्हीं का ही तो होगा, उनके पूर्वजों का। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में बहुत पुराने भी अगर होंगे, एंसेस्टर्स से मिलाया जाएगा इसके अंदर आपके। ठीक है, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो उसके अंदर टैक्सोनॉमी की इम्पॉर्टेंस है। टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी भी इसमें तीन तरीके की, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। एक क्या है? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी और साइटो टैक्सोनॉमी। और कीमो टैक्सोनॉमी। ठीक है, एक है न्यूमेरिकल, एक है साइटो टैक्सोनॉमी, एक है कीमो टैक्सोनॉमी। जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है, वो नंबर्स के ऊपर बेस्ड है। जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, जितने भी आप ऑब्जर्व कर लोगे वो सब कैरेक्टर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में आएंगे, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। इसमें नंबर्स और कोड्स को देखा जाता है, नंबर्स एंड कोड्स। ठीक है, इसमें क्या फायदा है? जैसे इन दोनों के अंदर आप क्या देख रहे थे, बहुत टाइम, मतलब कुछ ही कैरेक्टर उठा रहा था, नेचुरल में भी कुछ ही कैरेक्टर उठा रहा था, एक्सटर्नल इंटरनल। इसके अंदर अगर आप सब देखेंगे, सारे कैरेक्टर को देखेंगे, जितने भी कैरेक्टर देख लिए, तो उसके अंदर कुछ हाईफाई, कुछ मॉडिफाइड होगा। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या है कि इसके अंदर आप एक टाइम में हजारों कैरेक्टर देखकर उठाकर उसको क्लासिफाई कर सकते हो, देख सकते हो, पहचान सकते हो, कुछ भी कर सकते हो उसका। ठीक है, इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर्स,
1000 कैरेक्टर्स, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में कौन सी टैक्सोनॉमी आएगी? साइटो टैक्सोनॉमी, ठीक है। न्यूमेरिकल देख ले, साइटो टैक्सोनॉमी क्या है उसको देखो। साइटो टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी देखो, जो साइटो टैक्सोनॉमी है वो क्या है? साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, लॉजिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। समझ में आया? साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। अब उसके अंदर साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में क्या क्या आएगा? क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। उसके अंदर क्रोमोसोम बिहेवियर आएगा, क्रोमोसोम बिहेवियर, ठीक है। क्रोमोसोम देखो, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम बिहेवियर, ठीक है, और स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो गया। अब केमोटैक्सोनॉमी है, उसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का यूज किया जाता है। जो केमोटैक्सोनॉमी है, केमोटैक्सोनॉमी, ठीक है, यूज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स of the plants to release, to resolve confusions, to resolve confusions, ठीक है, fusions, कंफ्यूजन। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।